So students, now we have to solve the exercise of your chapter 7, that is getting to know plants. Question देख लेते हैं हम इसका. Question 1 is correct the following statements and rewrite them in your notebook. Statements में somewhere mistakes, ठीक है, mistakes आ गया तो हमें mistakes को क्या करना है, गलतियों को सुधारना है और उन्हें rewrite करना है, फिर से सही लिखना है. चलिए देखते हैं. Option A is stem absorbs water and minerals from the soil. तो हमने पढ़ा है कि वाटर मिनरल कौन एब्जॉर्ब करता है, स्टेम नहीं एब्जॉर्ब करता है, ये क्या करता है, रूट. तो हम लिखेंगे रूट, बाकी पूरा आपको ऐसे लिखना है, रूट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल. दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, क्लियर. द सेकंड वन इज लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट, अपराइट, ठीक है. तो लीव्स क्या करती है, प्लांट्स को अपराइट मतलब स्ट्रेट सीधा खड़ा करती है, ऊपर से खड़ा रखती है. तो लीव्स करती है क्या, नहीं, हमें पता है लीव्स तो फूड प्रिपेयर करती है, तो ये लीव्स गलत है. एट द प्लेस ऑफ लीव हम लिखेंगे स्टेम होल्ड्स, स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, क्लियर है. द सी इज रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव, ठीक है. तो रूट क्या लीव्स तक वाटर लेके जाती है, नहीं, रूट का काम क्या होता है, रूट केवल एब्जॉर्ब करती है मिनरल्स एंड वाटर और फिर किसको पास कर देती है, स्टेम को. देन स्टेम कंडक्ट द वाटर टू द लीव्स. तो यहाँ पर एट द प्लेस ऑफ रूट्स हम लिखेंगे स्टेम कंडक्ट्स, स्टेम कंडक्ट्स. रूट्स कैसा था, प्लूरल फॉर्म था, इसलिए यहाँ कंडक्ट है, यहाँ पर स्टेम है, तो कंडक्ट्स वाटर टू द लीव, स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव, क्लियर है आपके लिए. The number of petals and stamens in a flower is always equal. The number of petals and stamens in a flower is always equal? नहीं. So हम लिखेंगे the number of petals and stamens may be different, अलग हो सकता है in different plant. इन डिफरेंट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में नंबर ऑफ पेटल्स और नंबर ऑफ स्टेमन क्या होता है, अलग अलग हो सकता है. दिस ई को देखते हैं, द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, इट्स पेटल्स आर ऑल्सो ज्वाइंट टुगेदर. नहीं, अगर किसी के फ्लावर में सेपल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हों तो उनकी जो पेटल्स होंगी वो भी आपस में कैसे जुड़े हुए हों, क्या ये जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है. आपने बहुत सारे प्लांट्स और उनके फ्लावर्स देखे हुए हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा, इट इज नॉट सो, ऐसा नहीं है. तो हम लिखेंगे इफ द नंबर ऑफ फ्लावर्स, इफ द नंबर ऑफ अ, हाँ, इफ द नंबर ऑफ सेपल्स, इफ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, आर ज्वाइंट together, its petals are also joined together. So their petals may be or may not be joined together. हो भी सकते हैं, may be or may not be, may not be joined together. वो आपस में जुड़े हुए हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ज्वाइंट, जे ओ आई एन ई, ज्वाइंट टुगेदर, क्लियर है आपको, ठीक है. वी जस्ट नोट इट डाउन, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं एफ ऑफ दिस क्वेश्चन. इसका एफ क्वेश्चन देखते हैं, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन पिस्टल इज ज्वाइंट टुगेदर. तो अगर किसी भी फ्लावर में पेटल्स आपस में जुड़े हुए हो तो उसके जो पिस्टल है क्या वो जुड़ा रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा. तो आप क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे आप, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन द पिस्टल, इसके प्लेस पर आप लिखेंगे द पिस्टल मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ज्वाइंट टुगेदर. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट और अ फ्लावर दैट इज गिवन द टेबल, जो आपकी बुक में टेबल में आप पढ़ रहे हो. तो हियर जो ए है, इट इज द लीफ ऑफ अ रोज प्लांट, रोज प्लांट की लीफ है. दिस इज द टैप रूट ऑफ रोज प्लांट, ये रोज प्लांट की टैप रूट बनी हुई है. टैप रूट हमें पता है कैसी रूट होती है, जहां पर क्या होता है, एक मेन रूट होती है और सब रूट्स होती है, और सब रूट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज द लेटरल रूट्स. और द सी
कहते हैं फ्लावर, तो हमने ये रोज फ्लावर बनाया है, ठीक है। सी में आप लिखेंगे अ रोज फ्लावर, ठीक है। ये तीन सब गुलाब के फूल की पत्तियां हैं, उसकी जड़ है, टैपरूट है, और उसका क्या है, उसका फूल है। क्लियर हुआ आपको? आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं। कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज अ लार्ज विच हैज अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, ठीक है। क्या आपके पास या आपके घर में किसी पड़ोसी के पास आपने एक ऐसा पौधा देखा है जिसमें लंबा स्टेम तो बहुत लॉन्ग स्टेम हो लेकिन इट इज वीक, ये छोटा हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमने अपने घर में क्या देखा है, मनी प्लांट, सभी ने देखा है ना। तो आंसर क्या लिखेंगे, द मनी प्लांट हैज अ लॉन्ग एंड वीक स्टेम। मनी प्लांट कैसा है, इसका स्टेम कैसा होता है, लॉन्ग होता है और वीक होता है। इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइंबर्स, ये किसकी कैटेगरी में आता है, क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आता है। क्लाइंबर्स आर द प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर एज दे हैव वीक स्टेम। तो क्लाइंबर्स एक ऐसे प्लांट्स हैं जिनका स्टेम वीक होता है, इसलिए वो किस चीज का सपोर्ट लेते हैं, वो सपोर्ट लेते हैं किसका, अपने नेबरिंग स्ट्रक्चर का। जो भी कुछ आप उनके आसपास देखते हो ये उसका क्या ले लेते हैं, सपोर्ट ले लेते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम, स्टेम का फंक्शन क्या होता है। तो हमें पता है द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेम इज टू कंडक्ट द वाटर फ्रॉम द रूट्स, रूट्स से पानी को लेना टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के जो लीव होती है और दूसरे पार्ट्स होते हैं उन तक पानी को पहुंचाना और साथ साथ मिनरल्स को भी पहुंचाना, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट टू द ब्रांचेस लीव फ्लावर्स फ्रूट्स एंड बर्ड्स ऑफ द प्लांट्स, ये सबको क्या करता है, सपोर्ट भी देता है जाके पौधा या प्लांट या ट्री क्या हो, घिरे ना, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। द मेन फंक्शन ऑफ अ स्टेम इन अ प्लांट इज दैट इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट ऑल्सो प्रोवाइड द सपोर्ट टू ब्रांचेस लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वर्ड्स ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, वीट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर, दैट इज धनिया, चाइना रोज, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि रेटिकुलेट वेनेशन किसमें है और किसमें नहीं है, ठीक है। तो दो टाइप के वेनेशन होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, द अदर वन इज पैरेलल वेनेशन। तो हम देखते हैं द लीव्स ऑफ तुलसी, कोरिएंडर और चाइना रोज हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जो लीव है किसकी, तुलसी की है, धनिया की है और चाइना रोज की लीव्स है, उनमें कैसा रेटिकुलेट वेनेशन है। जबकि जो मेज, वीट और ग्रास है, ठीक है, मक्का, गेहूं और जो घास होती है हमारी, दोज आर हैविंग द पैरेलल वेनेशन। द वेनेस आर अरेंज्ड इन अ नेट लाइक पैटर्न, अगर रेटिकुलेट वेनेशन में देखेंगे तो ये वेनेस जो अरेंज है ये होती है वेनेस, ये आपने आगे इस तरीके की लाइन देख रहे हैं। और ये जो बड़ी एक लाइन होती है आप पत्ती को देखेंगे पलट के तो उसमें देखिएगा बहुत क्लियरली दिख जाता है, इसको बोलते हैं मेट्रिक, ठीक है। तो इस तरीके से जब रेटिकुलेट वेनेशन की बात करते हैं तो वहां ये वेनेस कैसे अरेंज होती है, ये अरेंज होती है किस फॉर्म में, एक नेट के फॉर्म में, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से बना लेती है, ठीक है। और अगर हम बात करें पैरेलल वेनेशन की, तो पैरेलल वेनेशन में जो वेनेस अरेंज होती है वो कैसी रहती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब ये होगी ये दूसरे इसके पैरेलल जाएगी, तीसरे इसके पैरेलल जाएगी, इस तरीके से ये एक दूसरे के कैसे अरेंज हो रही है, पैरेलली अरेंज हो रही है। तो दीज आर द डायग्राम्स ऑफ रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन, ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ प्लांट हैज फाइब्रस रूट, अगर प्लांट में कैसी है फाइब्रस रूट है, फाइब्रस रूट कैसी होती है, जहां मेन रूट हमें दिखाई नहीं देती है, सारी रूट इक्वल लगती है, कोई सब रूट नहीं होती है, तो व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव हैव, तो उसकी लीव के में कैसा वेनेशन होगा। तो अगर ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें फाइब्रस रूट होती है, सो दे हैव पैरेलल वेनेशन इन देयर लीव्स, उनकी लीव्स में कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ ग्रास, वीट, मेज, सेट्रा, दे आर हैविंग द फाइब्रस रूट्स विद पैरेलल वेनेशन। क्लियर है आपको? हम देख लेते हैं फाइब्रस रूट्स विद पैरेलल वेनेशन क्या होता है। फाइब्रस रूट्स हैव थिन एंड मॉडरेटली ग्रोइंग ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम। पैरेलल वेनेशन ऑन द अदर हैंड हैज लीव्स एंड इन व्हिच द वेनेस आर अरेंज्ड टू पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो इसमें क्या होगा, फाइब्रस रूट्स कैसी रूट होती है जिनमें मॉडरेटली ग्रोइंग ब्रांचेस होती हैं, कैसे स्टेम से, जो स्टेम रहता है, सॉरी स्टेम क्या होता रहता है, आपका जो स्टेम रहेगा उस स्टेम से जब आपकी रूट्स निकलती हैं तो इनमें डायरेक्ट मॉडरेटली क्या होती है, निकलती है, रूपांतरित क्या निकलने लगती है, जड़ें निकलने लगती है। मॉडरेटली का मतलब होता है रूपांतरित, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या रहती है, बहुत सारी रूट्स निकल
रहता है, ठीक है। और ये किसमें रहता है, जैसे हमारी ग्रास है ऐसी लंबी पत्तियां रहती है जिनमें, ठीक है। वीट है, गेहूं है आपका, मक्का है, तो उसकी जो पत्तियां रहती है उन्हें पैरेलल गर्नेशन पाया जाता है। ये जस्ट प्रीवियस हमने किसमें क्वेश्चन में उसका स्ट्रक्चर देखा है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 इज ए प्लांट हैज लीव्स विद रेटिकुलेट गर्नेशन, व्हाट काइंड ऑफ रूट्स विल इट हैव। अदर प्लांट में कैसा है, लीव में रेटिकुलेट क्या आपका वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है, तो प्लांट्स की जो रूट्स होंगी ये किस तरीके की होंगी। सो प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स, ये लीव्स है LEAVES, ठीक है, इन देयर लीव्स, सो दे आर लाइकली टू हैव टैप रूट्स। उनमें कैसी रूट होंगी, टैप रूट्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल कैरेट और अ रोज प्लांट, दीज आर हैविंग द रेटिकुलेट वेनेशन अलॉन्ग विद द रूट्स, दोज रूट्स आर नोन एज द टैप रूट, ठीक है। इन रूट्स को हम क्या बोलते हैं, टैप रूट। अब यहाँ पे देखते हैं टैप रूट और रेटिकुलेट वेनेशन। तो हमें पता है टैप रूट कैसी रूट होती है, कैसी रूट होती है जिसमें एक क्या होता है, मेन रूट होती है हमारी, और मेन रूट के साथ साथ उसमें क्या रहती है, एक मेन रूट रहेगी, मेन रूट के साथ उसमें क्या रहते हैं, सब रूट्स होती है। उन सब रूट्स को हम क्या बोलते हैं, इन सब रूट्स को हम क्या कहते हैं, लेटरल रूट्स। सब रूट्स क्या कहलाती है हमारी, लेटरल रूट्स कहलाती है। और अगर हम बात करें रेटिकुलेट वेनेशन की, तो ऐसा वेनेशन होता है, ऐसा अरेंजमेंट होता है जिनमें जो वेंस होती है वो कैसी रहती है, जो वेनेशन होता है किस तरीके का होता है, नेट लाइक पैटर्न बनाता है, इस तरीके से नेट लाइक पैटर्न बना लेता है, ठीक है। ये आपकी रिलेटेड हो गई, क्लियर है आपके लिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर प्लांट हैज टैप रूट्स और फाइब्रस रूट्स बाय लुकिंग एट द इंप्रेशन ऑफ द लीफ ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास एक प्लेन पेपर शीट है, उस पर हमने रेटिकुलेट जो आपकी टैप रूट रेटिकुलेट वेनेशन मानी, ठीक है, लीफ का क्या किया, इंप्रेशन लिया, और दूसरी लीफ का भी क्या कर दिया, इंप्रेशन ले लिया, पैरेलल जो वेनेशन होता है उसकी लीफ का भी क्या कर दिया, इंप्रेशन ले लिया, मतलब उसको उछाड़ लिया उस पर। कैसे, उसको हमने कलर किया, कलर में डिप करके दोनों लीव्स को आप क्या कर दोगे, उस पर प्रेस कर दोगे, तो उनका इंप्रेशन किस पे आ जाएगा, पेपर शीट पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हैं, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि इस तरीके से जो इंप्रेशन आपको मिलता है, तो उस इंप्रेशन को देख के, ठीक है, क्या आप ये बता सकते हो कि उन लीव्स में किस तरीके की रूट है, टैप रूट है या फाइब्रस रूट है, तो आप बता सकते हो या नहीं। ऑफकोर्स आप बता सकते हैं, क्योंकि जब हम लीव्स का इंप्रेशन देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये रेटिकुलेट है या फिर कैसा वेनेशन है इसका, पैरेलल वेनेशन है। अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो वो किस तरीके की लीफ रहेगी, पैरेलल वेनेशन है तो वो कैसी लीफ रहेगी, वो फाइब्रस रूट रहेगी। और अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसमें कैसा रहेगा, टैप रूट रहेगा। क्लियर है आपके लिए, पैरेलल वेनेशन है तो वो कैसी रहेगी, फाइब्रस रूट रहेगी। और अगर उनमें कैसा वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है तो वो कैसी रहेगी, टैप रूट रहेगा उनमें। ये हम अभी पहले प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर रेगुलरली अभी 6-7 में भी हमने ये पढ़ा हुआ है। आंसर देख लेते हैं, यस वी कैन रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम, यू कैन लुक फॉर द टाइप ऑफ द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लीफ, ठीक है। इफ द प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स देन इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, एंड इफ द प्लांट हैज टैप रूट्स देन इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। यही हमने अभी कहा था ना, अगर रेटिकुलेट वेनेशन है, देखो अगर आपको रूट बताया जाए तो कैसी रूट को देखकर, फाइब्रस रूट है, रेटिकुलेट वेनेशन, और अगर टैप रूट है तो पैरेलल वेनेशन। क्लियर हो गया आपके लिए, बस ये याद रखिए। तो चाहे आपको रूट दी जाए तो आप वेनेशन बता सकते हैं उसका, और अगर वेनेशन गिवन होगा लीफ का या लीफ का इंप्रेशन गिवन होगा तो उस वेनेशन को देखकर आप क्या बता सकते हो, किस टाइप की रूट्स उसमें होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, सो द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। हमने पढ़ा है ना मेहंदी फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गायनोशियम। तो आप ये पहले 4 पार्ट्स लिख देंगे, दीज 4 आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। उसके बाद लिखेंगे जो कैलेक्स होता है, कैलेक्स में क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ द सेपल्स, सेपल्स मतलब ये ग्रीन स्ट्रक्चर, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेपल्स, ये कहलाता है आपका कैलेक्स। करोला क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ द पेटल्स, पेटल्स मतलब आपकी जो ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर होता है, नॉट ओनली ग्रीन, इट इज द कलरफुल स्ट्रक्चर। हम कहते हैं ना पंखड़ियां जो होती हैं फूल की, वो होती है क्या, पेटल्स। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम क्या होता है, एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज द कलेक्शन ऑफ, ये क्या होता है, इसमें स्टेमन होता है, स्टेमन में भी 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट होते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद होता है गायनोशियम, गायनोशियम पिस्टल कंसिस्ट करता है,
और पिस्टन में तीन मेन पार्ट होते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये दीज आर द पार्ट्स, आपको प्रॉपर इसी तरीके से लिखना है। पहले आप फोर मेन पार्ट्स बताएंगे, और उन मेन पार्ट्स में जो आपका कोरोला होता है उसे सेपल्स भी, उसे पेटल्स भी कहते हैं। कैलेक्स को क्या कहते हैं? सेपल्स भी कहते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया शायद, है ना। कैलेक्स कोरोला, कैलेक्स को क्या बोलते हैं? पेटल्स भी बोलते हैं, और कोरोला को सेपल्स भी बोलते हैं। एंड्रोशियम में क्या होता है? आपका स्टेमन आता है, ये टू पार्ट्स कंसिस्ट करता है, एंथर और फ्लामेंट। और गायनोशियम में क्या होता है? आपका पिस्टल्स आता है, ये तीन मेन पार्ट्स कंसिस्ट करता है, दैट इज स्टिग्मा, ओवरी एंड स्टाइल। क्लियर हुआ आपको? फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स व्हिच ऑफ देम हैव फ्लावर्स, जो गिवन प्लांट्स हैं जैसे ग्रास, मेज, वीट, चिली, टोमेटो, तुलसी, पॉमग्रेनेट, पीपल, शीशम, बैनियन, मैंगो, जामुन, ग्वावा, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर कैन, पटेटो और ग्राउंडनट। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उनमें से किस में क्या है? फ्लावर। तो एक्चुअल में क्या है, ऑल दीज फ्लावर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। सारे ही प्लांट ऐसे हैं जिनमें क्या है? फ्लावर निकलते हैं, ठीक है, फूल आते हैं। बट इन सब प्लांट्स सच एज तुलसी, पीपल और शुगर केन, ठीक है, ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो हमें अपनी नेक्ड आई से विजिबल, सामान्य आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। व्हाई? बिकॉज दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, साइज में कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, तो हमें लगता रहता है कि इनमें फ्लावर नहीं आ रहा है, बट एक्चुअली दे आर ऑल्सो द फ्लावरिंग प्लांट। क्लियर है आपको? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। तो हमें पता है कि प्लांट अपना फूड किस में बनाते हैं? इन लीव्स, ठीक है। तो हम लिखेंगे द पार्ट ऑफ द प्लांट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्रोड्यूस फूड इज, दैट प्रोड्यूस इट्स फूड इज लीव, इज द लीव, ठीक है। और वो प्रोसेस क्या है? दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। आप पूरा एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में दे देंगे। व्हाट यू हैव टू डू, जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ठीक है, तो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। प्रोसेस का इक्वेशन लिख देते हैं, प्रोसेस आप एक्सप्लेन खुद कर लेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टुगेदर, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर दे प्रोड्यूस, वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज एंड रिलीज ऑक्सीजन। और क्या रिलीज कर देते हैं? ऑक्सीजन। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द प्रोसेस यू कैन राइट इन वर्ड्स योर ओन, आप खुद अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? ऑलमोस्ट हमने इसे एक्सप्लेन भी किया है, तो फ्रॉम देयर यू कैन ऑल्सो नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। तो फ्लावर का, फूल का एक ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें हमें ओवरी मिलता है? तो कहाँ मिलता है ओवरी? वी फाइंड द ओवरी इन द पिस्टल ऑफ द फ्लावर। हमें फ्लावर के पिस्टल वाले पार्ट में क्या मिलता है? ओवरी मिलता है। हियर इज द डायग्राम, ये डायग्राम किसका है? फ्लावर के पिस्टल का है। तो इसमें कितने पार्ट होते हैं पता है? तीन पार्ट ही कंसिस्ट करता है, दैट इज स्टिग्मा, अपर मोस्ट पार्ट होता है इसका। स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से पॉलन ग्रेन मूव करते हैं। और जो आपका स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द ओवी। स्वेलन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ओवी कहते हैं। और ओवी कंसिस्ट करती है ओव्यूल्स, ठीक है। क्लियर है आपको? तो आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है, और यू हैव टू राइट सिंपली द नेम ऑफ द पार्ट, इट इज पिस्टिल, ठीक है। पिस्टिल कंसिस्ट करता है ओवी। क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर, नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज जॉइंट शेप सेपल्स एंड द अदर हैज सेपरेट सेपल्स। आपको दो ऐसे प्लांट्स का एग्जाम्पल देना है जिसमें क्या है, एक जो होंगे उनमें सेपल्स ज्वाइंट रहेंगे। सेपल्स मीन्स क्या होता है? द लोअर मोस्ट ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर, है ना। और दूसरे कैसे होंगे? जिनमें जो सेपल्स होते हैं सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो एग्जांपल्स क्या होंगे? द फ्लावर्स विद द ज्वाइंट सेपल्स आर, ये क्या है? प्रीविंकल, प्रीविंकल और सदाबहार। सदाबहार सदा सुहागन का पौधा भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रीविंकल और सदाबहार का प्लांट। और दूसरा क्या है? हिबिस्कस। हिबिस्कस को हम क्या बोलते हैं? हिबिस्कस है या चाइना रोज जिसे कहते हैं। और ऐसे फ्लावर्स जिनमें जो सेपरेट होते हैं सेपल्स, सेपरेट कैसे होते हैं? देखो हिबिस्कस तो आपने देखा है ना, जिसमें जुड़े हुए रहते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये तो बहुत क्लियरली हमें देखने के लिए मिल जाता है, इस तरीके का जुड़े हुए सेपल्स रहते हैं उसमें, है ना। और फिर ये ग्रो कर जाती है लीव्स, ऐसा होता है ना, देखा है आपने सभी ने। उसके बाद जो दूसरा हो गया आपका फ्लावर्स जिनमें सेपल्स अलग अलग होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते, दीज आर रोज एंड मंगोलिया। क्लियर है आपको? रोज एंड मंगोलिया। सो इट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 7। 7 चैप्टर के आपके सॉल्यूशंस भी है, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर बेटा आपको कोई डाउट है, देन यू प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, आप अपने
डाउट पूछ लीजिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 8। बट बिफोर दैट, अगर आपने वीडियोस को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।